हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नुमान चौधरी आपका वेट संजीवनी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का अपना दूसरा शो है ये। पहले अपन ने सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों से संबंधित चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे कि इसकी निम्न में से एक बहुपर्जनीय चक्र यानी पॉलीइस्ट्रस पशु है। कौन सा भाई? पॉलीइस्ट्रस पशु है। मैंने जब टेलीग्राम में क्वेश्चन डाला था तो बहुत सारे विद्यार्थी किसको बता रहे थे? कुतिया को बता रहे थे। ठीक है, तो अपन इन सब की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा पशु, गाय किस में आती है, कुतिया किस में आती है, जंगली जानवर किस में आती है और घोड़ी किस में आती है। तो सबसे पहले इसका आंसर अपन सबसे अंत में देखेंगे। तो तब तक चलते हैं अपन इसका पोस्टमार्टम करने। ठीक है, चलो भाई, इसका पहला क्वेश्चन जो है, अब इसके सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि मदगाल में जो होता है तीन प्रकार से होता है, एकल मद चक्कर, बहु मद चक्कर, मौसमी मद चक्कर। मौसमी जो मद चक्कर होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे। ठीक है, तो अपन इन सारों की चर्चा करने वाले हैं सभी जानकारी के साथ। तब तक एक बार फिर से आप विद्यार्थी, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करें। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसकी? मद चक्कर। मद चक्कर की ये जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या होता है। सर ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी चर्चा कर रहे थे तो इसको कितने भागों में बांटा था भाई? अपन ने तीन भागों में बांटा था। ठीक है, पहला हो गया एकल मद चक्कर यानी मोनोइस्ट्रस। मोनोइस्ट्रस मद चक्कर। दूसरा हो गया बहु मद चक्कर यानी पॉलीइस्ट्रस मद चक्कर। ठीक है, और तीसरा हो गया आपके मौसमी मद चक्कर। ठीक है, मौसमी मद चक्कर। मद चक्कर, ठीक है, इसे आप बोल सकते हो सीजनली पॉलीइस्ट्रस। ठीक है ना, सीजनली पॉलीइस्ट्रस। अब दोस्तों आपको पता लग रहा होगा कि एकल मद चक्र किसे कहते हैं, बहु मद चक्र किसे कहते हैं, चलो एकल मद चक्र किसे कहते हैं, बहु मद चक्र किसे हैं, मौसमी मद चक्र। एकल मद चक्र होता है वह जानवर, वह मादा जानवर जो पूरे वर्ष में केवल एक बार अपना मद चक्र प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं हम, मोनोइस्ट्रस या मोनो एकल मद चक्र कहते हैं। ठीक है, बहुमत की बात करें तो एक वर्ष में दो या दो से अधिक बार मद चक्र अपना प्रदर्शित करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, बहुमत या पॉलीइस्ट्रस। फिर होता है एक वह मादा जानवर जो निश्चित मौसम में, एक निश्चित मौसम में अपना मद चक्र जो प्रदर्शित करता है उसे अपन क्या कहते हैं, मौसमी मद चक्र या सीजनली पॉलीइस्ट्रस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि पॉलीइस्ट्रस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का, लॉन्ग डे एक होता है शॉर्ट डे। ठीक है, अभी इसी के साथ अपन पहला पढ़ेंगे, अपन एकल मद चक्र यानी मोनोइस्ट्रस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलो फटाफट से सभी विद्यार्थी इसको लिखना शुरू कर दो ना। हाँ जी भाई, वह मादा जानवर जो वर्ष में केवल एक बार मद चक्र प्रदर्शित करते हैं, मद चक्र प्रदर्शित करते हैं। अब बात आ गई इसके किसकी, उदाहरण की, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आपको पता है जंगली जानवर,
जंगली जानवर। और आती है आपकी कुतिया, ठीक है। कुतिया कभी कभी मोनोपोली स्ट्रेस में भी आती है, कभी कभार, न के बराबर, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना क्या है, ओनली आपको कुतिया का ध्यान रखना है कि कुतिया केवल मोनो स्ट्रेस में आती है और जंगली जानवर आते हैं, ठीक है। फिर बात करें बहुमध चक्कर, किसकी बात करेंगे भाई अपन, बहुमध चक्कर के बारे में, दिख रहा ना ये, ठीक है। वह मादा जानवर जो वर्ष में 2 बार मध चक्र प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं भाई, मध चक्र प्रदर्शित करते हैं, कितने बार, 2 बार। ध्यान रखना कौन कौन से आ गए भाई, एक तो आपके आ गई गाय, एक आ गई आपकी सूरी यानी स्वाइन शो, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना, वह मादा जानवर जो 2 बार वर्ष में 2 बार मध चक्र प्रदर्शित करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं भाई, बहुमध चक्र कहते हैं। अगला है आपका कौन सा, मौसमी मध चक्र, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्या है भाई, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वह मादा जानवर जो वर्ष में किसी निश्चित मौसम में मध चक्र प्रदर्शित करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, मौसमी मध चक्र कहते हैं, ठीक है, या सीजनी पोलीस्ट्रस कहते हैं। वह मादा जानवर जानवर जो किसी निश्चित निश्चित मौसम में मध चक्र प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मध चक्र प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो अपन इनकी चर्चा करेंगे आगे। चलो भाई अपन इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मौसमी मध चक्र, मौसमी मध, मौसमी बहुमध चक्र, ठीक है। क्या बताया था भाई इसको, सीजनी पोलीस्ट्रस, ठीक है, एनिमल, ठीक है। चलो भाई अब इसमें अपन ने बात की थी कि सीजनी मोल जो आपका मौसमी बहुमध चक्र है उसमें ने अपने बात की थी, वह मादा जानवर जो किसी निश्चित मौसम में अपना जो मध चक्र प्रदर्शित करता है उसे अपन क्या कहते हैं, मौसमी मध चक्र या मौसमी बहुमध चक्र कहते हैं, ठीक है। ठीक है, बहु को उठा दो, बहु बुरा मान जाएगी, ठीक है। चलो इसके प्रकार कितने होते हैं भाई, 2 प्रकार होते हैं। चलो जी 2 प्रकार हो गया, तो पहला इसका प्रकार हो गया आपका लॉन्ग डे ब्रीडर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका शॉर्ट डे ब्रीडर, शॉर्ट डे ब्रीडर हो गया, ठीक है। अब लॉन्ग डे में कौन सा होता है, लॉन्ग डे की अपन बात करें तो लॉन्ग डे में कौन सा होता है, वह मादा जानवर जो, वह मादा जानवर जो किसमें भाई, गर्मियों के मौसम में, ठीक है, गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में मध चक्र प्रदर्शित करता है, किसमें करता है, गर्मियों के मौसम में
मद चक्कर प्रदर्शित करता है और वह मादा जानवर जो गर्मियों के अलावा मध्य चक्कर प्रदर्शित करते हैं, मध्य चक्कर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ये लो जी भाई। चलो अभी क्या करेंगे, इनके उदाहरणों की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे भाई? उदाहरणों की बात। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है एग्जाम्पल? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, लॉन्ग डे ब्रीडर में कौन सा आ गया? मेयर और कौन सी कैट? किसमें? लॉन्ग डे में। और इधर अपन एक्सप्लेन की बात करें, इसमें उदाहरण की बात करें, तो इधर आपका आ गया भाई सीफ, गोट। और कौन सा आ गया भाई? केमल। ठीक है, कौन सा आ गया भाई? केमल आपका आ गया। ठीक है, और बफेलो। ठीक है, कौन सा आ गया भाई? बफेलो आ गया। ठीक है, चलो ये हो गए आपके मध्य चक्कर से संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो। अब अपन कहाँ चलेंगे? वापिस थंबनेल पे चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे भाई? वापिस थंबनेल पे चलेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। अब अपन इसका आंसर देंगे। ठीक है, निम्न में से कौन एक बहु प्रजनन चक्रीय या पॉलीस्ट्रस जानवर है? घोड़ी? ना भाई। जंगली जानवर? या आगे किसमें? मोनोस्ट्रस में। ठीक है, कुतिया? कुतिया का किसमें बताया था भाई? गाय। ये दोनों तो मोनोस्ट्रस में आ गई ना, मोनोस्ट्रस में आ गई दोनों। और गाय थी आपके किसमें भाई? पॉलीस्ट्रस में। और एक कौन थी? सुअरी थी। कौन सी थी भाई? सुअरी। और घोड़ी किसमें आती है? सीजनली। और सीजनी में कौन सा? लॉन्ग डे ब्रीडर किसमें आती है भाई? गर्मियों के मौसम में हीट में आती है। ठीक है, गर्मियों के मौसम में मध्य चक्कर आता है इसका। ठीक है, सीजनल, आप इसको क्या बोलते हो? सीजनल भी बोल सकते हो, सीजनली पॉलीस्ट्रस। ठीक है, सीजनली पॉली। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? गाय। ध्यान रखना, इसमें आंसर क्या आया भाई? गाय आया। ठीक है, अब कोई विद्यार्थी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जब मैंने टेलीग्राम में ये क्वेश्चन डाला था तब बहुत सारे विद्यार्थियों ने डिसलाइक किया था, क्योंकि उनके समझ में नहीं आया। जब उनसे मुलाकात की, जब उनसे बात की गई, तब उन्होंने बताया कि सर हमने ऐसा नहीं पढ़ा हुआ। उससे लेके बाद में मेरे दिमाग में आया कि ऐसा सोच लाया जाए जिनसे नेगेटिव, जो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सही हो जाए, और कोई भी विद्यार्थी 0 पॉइंट का नाम नहीं ले कि मैं सर 0.1 से 0.2 से रह गया हूं। ऐसा नाम कभी नहीं लेगा, क्योंकि वेट संजीवनी छोटी से छोटी चीज को लेके बड़ी चीज की ओर लेके चलेगी। तो इसी प्रकार वेट संजीवनी के साथ बने रहिए, और आपका प्यार और स्नेह के साथ इस क्लासों को लाइक शेयर करते रहिए, ताकि सभी विद्यार्थियों की ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।